जब आप झुंझुनू जाइएगा, जो नहीं गए हैं वो जाकर देखेंगे। चार पुत्रियां इनकी, दो पुत्र और इनकी धर्मपत्नी माता गायत्री, सब संसार का सुख त्याग कर, सब कुछ त्याग कर बाबा जी के श्री चरणों में बैठी है। और वो मंदिर ही उनका संसार है, उनका जीवन है। मंदिर प्रांगण से बाहर वो लोग पैर नहीं रखते। माता गायत्री जो साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जब अपने मुखारविंद से कुछ भक्तों को कहती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ सरस्वती अपनी मुख से अमृत वर्षा कर रही है। जब अपना हाथ भक्तों के सिर पर रखती है ना, तो ऐसा लगता है भक्त वत्सला माँ दुर्गा अपने बच्चों पर सिर पर हाथ रख लेती है। और जब वो अपने हाथों से भक्तों को कुछ देती है, तो ऐसा लगता है माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों के भंडार भर रही है। ये है माता गायत्री और ये उनका रूप। और ऐसे ही सारा जीवन गुजार दिया भक्ति देव जी ने, और उनका साथ पल पल पर निभाया, पग पग पर निभाया माँ गायत्री ने। आइए, लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया, त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया, दुख झेले कितने पर अपना वचन निभाया, ओ दुख झेले कितने पर अपना वचन निभाया। और सुनिएगा, और धीरे, भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने जैसे, भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने जैसे, जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे, जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे, भक्तों का नाता भगवान से दिल का जो। अब जितने भक्त मैं आप सब से पूछता हूँ, अगर 10% बाबा जी के चरणों में आपका ध्यान लगा तो एक बार हाथ में उठाइए। आज 100% नहीं हो तब तक घर नहीं जाना है, कीर्तन चलता रहेगा। बिल्कुल सीधे हाथ नीचे मत कीजिए भाई साहब, बिल्कुल ऊपर रखिए, और एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि बाबा गंगाराम आपको दर्शन देने आ जाए, मजबूर हो जाए बाबा जी आने के लिए।